हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। मेरा नाम है मुकुल जैन। दोस्तों, आज है डेट 19 मार्च 2020 और टाइम हो रहा है दोस्तों 6 AM। दोस्तों, यहाँ पे हमने कुछ डेटा लिया हुआ है जो कि कोरोना वायरस से रिलेटेड है, और ये डेटा कहाँ से लिया हुआ ये भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने डाला था कोरोना वायरस अपडेट, और मैं गया था यहाँ पे worldometer.info, और ये आ रही वेबसाइट, और ये जो डेटा है वो इस वेबसाइट में पड़ा हुआ है आपका। जब आप इसको नीचे करोगे तो ये डेटा इसमें पड़ा हुआ है। तो यहीं से मैंने डेटा लिया हुआ है, सोर्स यही है डेटा का। और डेटा में है क्या ये देख लेते हैं। कंट्रीज़ हैं, टोटल केसेस हैं जो कोरोना वायरस के हैं, न्यू केसेस हैं, टोटल डेथ हैं, न्यू डेथ है, टोटल रिकवर्ड है, एक्टिव केसेस है, और सीरियस और क्रिटिकल केसेस है। दोस्तों दोस्तों अब हम लोग करेंगे क्या, इसमें फ़िल्टर लगा के ये चेक करेंगे कि सबसे ज़्यादा केसेस इस समय हैं कहाँ पर। तो फ़िल्टर लगाने के लिए दोस्तों करते क्या हैं, यहाँ पे ये मैंने पूरा सेलेक्ट किया और होम के अंदर में ये सोल टर्म फिल्टर आ रहा है आपका, यहाँ पे मैंने फ़िल्टर पे क्लिक कर दिया। तो आपके हर कंट्री मतलब हर फील्ड पे आपके फ़िल्टर लग चुके हैं। और अगर आपको ये चेक करना है कि टोटल केसेस सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ फ़िल्टर पर क्लिक करोगे ड्रॉप डाउन पे, और यहाँ पे लगा लोगे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ये ऑप्शन आ रहा है दोस्तों सेकंड। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे वैसे सबसे ज़्यादा केसेस वाले जो कंट्रीज़ होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। जैसे आप सबको पता ही है कि चाइना में सबसे ज़्यादा केसेस है कोरोना वायरस के, फिर इटली, ईरान, स्पेन, जर्मनी, USA, फ्रांस, साउथ कोरिया, स्विट्ज़रलैंड, इस तरीके से दोस्तों ये केसेस दिए हुए हैं। और सबसे ज़्यादा केसेस हमारे चाइना, इटली, ईरान, स्पेन, जर्मनी इनमें हैं। और अगर हम लोग देखें सबसे ज़्यादा डेथ कहाँ पे हुई है, तो फिर से वही करेंगे, यहाँ ड्रॉप डाउन बना हुआ है, टोटल डेथ में जाएंगे और यहाँ पर लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर देंगे। तो हमें डेथ निकल आएगी, सबसे ज़्यादा चाइना में हुई है 3,237, उसके बाद इटली, उसके बाद ईरान, उसके बाद स्पेन। तो दोस्तों ये था डेटा कुछ, और अब हम लोग बात करने जा रहे हैं दोस्तों अपने टॉपिक की। तो टॉपिक है आज का दोस्तों वर्ल्ड मैप कैसे बनाते हैं एक्सेल में। तो वर्ल्ड मैप बनाने के लिए मैंने क्या किया हुआ है, मैं ये दो फील्ड लूँगा, कंट्री और टोटल केसेस, और उसको मैप पर दिखाऊँगा कि किसमें कितने केसेस हैं, उस साइज वाइज आपको दिखेगा। एक बार मैं करके दिखाता हूँ आपको समझ में आ जाएगा। मैंने क्या किया, ये दोनों फील्ड सेलेक्ट कर ली हैं और मैंने यहाँ पे प्रेस किया कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की, तो ये सारी कंट्रीज हमारी सेलेक्ट हो गई हैं। अब मैं गया यहाँ पे इंसर्ट पे, यहाँ पे दोस्तों आपको दिखेगा 3D मैप, आपको यहाँ सिंपल क्लिक कर देना है और यहाँ पर करना है न्यू टूर। दोस्तों इसको बंद कर देंगे हम लोग यहाँ पे, और ये हमारे पास दोस्तों पूरा मैप आ गया है। सबसे पहले आपको क्या करना है, मैप लेबल्स लगा लेने हैं, और मैप लेबल जैसे ही आप लगा लोगे तो सब सारी कंट्रीज़ में यहाँ पे आपके लेबल लग जाएंगे, जैसे इंडिया दिख रहा होगा, चाइना दिख रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जहाँ पर डेटा लिखा हुआ है यहाँ पर ये सर्कल आ रहे होंगे विजुलाइजेशन के बबल्स, इस पर यहाँ पे क्लिक कर देंगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे साइज पूछेगा, तो आपको यहाँ फील्ड ऐड करा देनी है टोटल केसेस। जैसे आप फील्ड ऐड करा दोगे वैसे आप देखोगे यहाँ पे बबल्स बन गए, ये देखिए दोस्तों बबल्स के फॉर्म में आ रहा है पूरा डेटा। अभी मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ तो साफ साफ दिखाई देगा, ये देखिए दोस्तों मतलब जहाँ पे केसेस ज़्यादा हैं वहाँ पे बबल बहुत बड़ा दिखाई देगा, और जहाँ केसेस कम है वहाँ पे बबल छोटा दिखाई देगा। और इंडिया में जैसे देखिए बहुत छोटा दिखाई दे रहा है, अभी यहाँ ज़्यादा केसेस नहीं, 169 केसेस हैं अभी। और ये कौन सी कंट्री है, ये है आपकी ईरान, ईरान में 17,361। तो इस तरीके से आपको बबल दिखाई देंगे। अब दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पर कैटेगरी नज़र आ रहा होगा, कैटेगरी में आपको फिर से केसेस पे क्लिक करना है, टोटल केसेस पे। तो अब क्या होगा, कलर वाइज आपका सब
डिफाइन कर देगा अलग अलग। साउथ कोरिया देखिए पिंक से हो गया, चाइना का अलग कलर हो गया, इंडिया में अभी है ही नीले है, मतलब है कैसे लेके उतने नहीं है जितने और कंट्रीज़ में। और यहाँ पे यही ईरान, इस तरीके से आपको पूरा मैप दिखाई दे जाएगा। और अगर आपको इसको फ्लैट मैप चाहिए तो यहाँ पे फ्लैट मैप का ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक कर दोगे तो ये मैप पूरा फ्लैट हो जाएगा। अभी आपको जैसे ग्लोब के फॉर्म में नज़र आ रहा था, अब ये पूरा फ्लैट नज़र आएगा, देखिए दोस्तों। और अलग अलग और कंट्रीज़ में जाना है तो आप ये देखिए, मैं इसको हटाई देता हूँ कि मुझे इस तरीके से ज़्यादा सही लगता है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये देखिए दोस्तों, इटली में सबसे ज़्यादा है, स्पेन में दिखा रहा है, यहाँ पे भी है, जर्मनी फ्रांस में भी सबसे ज़्यादा है। और इस तरीके से आप देख सकते हो किसमें कितने केसेस हैं। टोटल मिला के हमें केसेस नहीं, हमें ये देखना था कि कैसे बनाते हैं वर्ल्ड मैप, क्योंकि इस समय एक्सेल सीख रहे हैं तो वर्ल्ड मैप की बात करेंगे। तो इस तरीके से आप इस मैप बना सकते हैं दोस्तों। अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे टोटल केसेस जो कैटेगरी है वो हटा देते हैं और अब क्लिक करते हैं यहाँ पे 2D चार्ट में। तो होगा क्या, जो आपका मैप है वो 2D में क्रिएट हो जाएगा। और ये कॉलम चार्ट है दोस्तों, ये इस तरीके से आप ये कॉलम चार्ट भी देख सकते हैं कि किसमें कितने केसेस हैं और कहाँ कहाँ पर हैं। ये देखिए दोस्तों, अभी सब जगह है नहीं क्योंकि ये 0 to 10,000 है पहला आपका, तो चाइना में है 80,000 के लगभग, इटली में है 25,000। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि किसमें कितने केसेस आपके हैं चार्ट वाइज, कॉलम वाइज, सॉरी कॉलम वाइज देख सकते हो आप कि किसमें कितने केसेस हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप ये वर्ल्ड मैप और 2D चार्ट बना सकते हैं दोस्तों। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। और तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।